हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू एज। तो आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइन ऑफ अर्थन डैम के बारे में हम देखने वाले हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं अर्थन डैम के, जिसको हम डिज़ाइनिंग में कंसिडर करेंगे। हम इस वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे। आप ही में से किसी का डिमांड था कि मैम अर्थन डैम की डिज़ाइन का भी वीडियो अपलोड करो, तो मैंने यहाँ अपलोड किया है। अगर आपको इसी तरह से किसी भी टेक्निकल टर्म में डाउट होता है या फिर आपको किसी भी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए। लेकिन ऐसे टॉपिक पे कमेंट कीजिए जो जिसके वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या फिर अवेलेबल हैं लेकिन अच्छे वीडियोज़ नहीं है, ताकि अगर मैं उसको मेहनत करके बनाती हूँ तो फिर मेरा भी कुछ फ़ायदा हो और आप लोग का भी आगे चल के फ़ायदा हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी में डाउट आता है तो फिर आप बिल्कुल उस टॉपिक को या फिर उस टेक्निकल टर्म को, ठीक है, आप कमेंट करिए और उस पर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ अर्थन डैम। जब हम यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ अर्थन डैम की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट जो रहता है हमारा टॉप विथ ऑफ अर्थन डैम को हम डिज़ाइन करेंगे, तो इसके क्या क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो समझिए कि टॉप विथ होता क्या है हमारे डैम का। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे मैं अर्थन डैम जो यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ, इस टाइप से हमारा अर्थन डैम होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपको शो हो रहा है, ये जो मैं बनाई हूँ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है एम्बैकमेंट का। तो ये जो आप ब्लू कलर से शो कर रहे हैं, शो किया है मैंने, ये हमारा क्या है, टॉप विथ ऑफ दिस अर्थन डैम, ठीक है। तो हमारा टॉप विथ ऑफ अर्थन डैम हमको कितना रखना है, कैसे रखना है, ये हम देखेंगे अभी क्या क्राइटेरिया है इसका। लेकिन हमको इसको सही अमाउंट में या फिर सही विथ ऑफ क्रस्ट क्यों प्रोवाइड करना चाहिए, हमको इसलिए प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो भी हमारे सिस्मिक फोर्सेस आने वाले हैं या फिर वेव एक्शन के कारण जो भी फोर्सेस आने वाले हैं आगे चल के, ये इसको रजिस्ट कर पाए, ठीक है। इसीलिए हमको टॉप विथ ऑफ अर्थन डैम को एक सही अमाउंट में प्रोवाइड करना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि कितना प्रोवाइड करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कि कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं। तो जब हमारा जो डैम का जो हाइट रहता है, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमारा विथ ऑफ अर्थन डैम कितना होगा। अगर हमारा यहाँ पे लो हाइट का डैम प्रेजेंट है, तो हमारा जो विथ होता है h/5+3 हो जाता है। अगर हमारा डैम का जो हाइट है वो 30 से कम है, तो हमारा जो विथ होता है, ये देख सकते हैं इसके लिए फॉर्मूला गिवन है। अगर हमारा डैम का जो हाइट रहता है 30 से ज़्यादा रहता है, तो विथ का फॉर्मूला हो जाता है 1.65 h+1.5 की पावर 1/3। तो इस फॉर्मूला को आप रिमेंबर रखिए कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। बेस्ड ऑन हाइट ही हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं विथ ऑफ द अर्थन डैम, ठीक है। यहां पे 3D में भी देख लीजिए क्या जो होता है हमारा अर्थन डैम का विथ क्या होता है। ये जो है हमारा क्या है, अपस्ट्रीम है जिसमें कि वाटर फिलअप है, ये जो है हमारा क्या है, डाउनस्ट्रीम पोर्शन है। तो ये जो आपको यहां पर शो हो रहा है जिसमें कि हमने यहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड बना दिया है, तो ये जो है हमारा विथ ऑफ द अर्थन डैम है, ठीक है। तो ये होता है विथ, और इसको आपको हाइट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना पड़ता है, हाइट ऑफ अर्थन डैम के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड कंपोनेंट की तरफ। सेकेंड है यहाँ पे सेंट्रल कोर ऑफ द अर्थन डैम। हम सेंट्रल कोर क्या को बोलते हैं, यहाँ पे पहले देख लीजिए, ये जो है हमारा एम्बैकमेंट है, एम्बैकमेंट में देखिए कि ये जो आपको ब्राउन कलर से शो हो रहा है, ये जो है हमारा क्या है, सेंट्रल कोर ऑफ अर्थन डैम है, ठीक है। तो इसकी डिज़ाइनिंग हम कैसे करते हैं और ये क्या क्या करता है, ठीक है, इसको देखिए। सेंट्रल कोर ऑफ द अर्थन डैम इज मेड ऑफ इम्परवियस मटेरियल एंड इट एक्ट्स एज अ बैरियर अगेंस्ट द सीपेज फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द डैम। ये जो रहता है इसमें हम कैसा मटेरियल यूज़ करते हैं, इम्परवियस मटेरियल यूज़ करते हैं। इम्परवियस मटेरियल मतलब कि जो अपने आप से वाटर को फ्लो नहीं होने देता है, ठीक है, या फिर अपने आप से बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो होने देता है। तो मैं बता दूँ आपको कि जनरली हम जो हमारा कोर ऑफ अर्थन डैम होता है, इसके लिए हम जनरली क्ले प्लस फाइन सैंड, ठीक है, क्ले प्लस फाइन सैंड को यूज में लाते हैं बनाने के लिए, या फिर क्ले प्लस फाइन ग्रेवल, ठीक है। तो ओनली क्ले का हम यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पे श्रिंकेज एंड स्वेलिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, इसलिए ओनली क्ले हम यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्ले प्लस फाइन सैंड या फिर क्ले प्लस फाइन ग्रेवल को यूज़ करते हैं कोर ऑफ अर्थन डैम को बनाने के लिए, ठीक है। जो कि हमारा क्या होता है कि क्ले की तो परमिएबिलिटी कम ही होती है, आप लोगों को पता है, एज़ कम्पेयर टू सैंड एंड ग्रेवल। तो मे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्ले रहता है, उसमें हम सिर्फ फाइन सैंड एंड फाइन ग्रेवल को यूज़ करते हैं जिसका कि परमिएबिलिटी कम ही रहता है, ठीक है। समटाइम देयर इज अ चांसेस ऑफ सीपेज अक्यूरेंस ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर। टू प्रिवेंट दिस, द हाइट ऑफ द सेंट्रल कोर शुड बी मिनिमम 1 मीटर मोर देन द मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल एंड इट्स थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ मैक्सिमम हेड ऑफ द वाटर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाइट ऑफ सेंट्रल कोर रहेगा वो कितना होना चाहिए, ये जो इसका हाइट आप देख रहे हैं, ये जो है, ये जो हाइट होना चाहिए हमारा कितना होना चाहिए, 1 मीटर मोर होना चाहिए, किससे,
हाई रिजर्वायर लेवल से। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये जो है हमारा क्या है, रिजर्वायर का लेवल है, ठीक है, हाई फ्लड लेवल या फिर हाई रिजर्वायर लेवल, मैक्सिमम हमारा वाटर इतना रीच कर सकता है। तो हमको इस डैम को ऐसा डिज़ाइन करना है कि हमारा जो मिनिमम हमारा जो हाइट हो ये क्या हो, इससे 1 मीटर ऊपर हो, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम और भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 1 मीटर तो ऊपर होना ही चाहिए, ठीक है। क्यों हम मिनिमम 1 मीटर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कैपिलरी एक्शन के कारण भी क्या होता है कि इसमें वाटर एंटर कर सकता है, ये जो हमारा कोर ऑफ डैम है इसमें। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इस ये जो हमारा रिजर्वायर का जो हाइट होगा इससे 1 मीटर ऊपर ही हम इसके हाइट को रखेंगे, ठीक है। एंड इट्स थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ मैक्सिमम हेड ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे मैक्सिमम हेड ऑफ वाटर जितना भी होगा इसका, जितना 50% आएगा, जितना आधा होगा उससे ज़्यादा ही होना चाहिए हमारा, ये जो है आपका देख रहे हैं थिकनेस, ठीक है। थिकनेस जो होना चाहिए ये, ठीक है, ये जो होगा हमारा थिकनेस ऑफ कोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि तो कोर ऑफ डैम को बनाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम वेरी वेल ग्रेडेड मिक्सचर ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड फाइन ले लेते हैं तो हमारा जो ये किस टाइप से काम करेगा, कितना सुइटेबल होगा कोर ऑफ डैम को बनाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा मटेरियल होगा। अगर हम यहाँ पे वेल ग्रेडेड मिक्सचर ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड क्ले ले लेते हैं तो ये गुड रहेगा। फेयरली ग्रेडेड लेते हैं, ग्रेवल मीडियम टू कोर सैंड लेते हैं तो ये फेयर ही होगा। और क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी विथ लिटिल कोर्स फ्रैक्शन ले लेते हैं तो हमारा ये पुअर मटेरियल कहलाएगा कोर ऑफ डैम को बनाने के लिए। तो आपको अगर एग्ज़ाम में लिखना है तो आप इसमें से देख लीजिए, कुछ कुछ पॉइंट्स को याद करके वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये जो डाटा है इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है कि यहाँ पे देखिए मैं एक समझा देती हूँ कि वेरी वेल ग्रेडेड मिक्सचर ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड फाइंस ऑफ विच 15% ऑफ द मटेरियल आर कोर्सर देन 50 mm एंड 50% ऑफ द मटेरियल आर कोर्सर देन 6 mm। तो हमको ऐसा मिक्सचर लेना है, वेल ग्रेडेड मिक्सचर ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड फाइंस या फिर क्ले, जिसका कि 15% ऑफ मटेरियल जो होना चाहिए 50 mm से कोर्सर होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए, एंड 50% जो मटेरियल होना चाहिए वो 6 mm से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा मटेरियल आप लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सुटेबल है हमारे कोर ऑफ डैम को बनाने के लिए। अगर आप वेल ग्रेडेड मिक्सचर ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड क्ले, क्ले फाइन लेते हैं जो कि हमारा कोर्सर है 25 mm से, एंड फाइन कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक क्ले, और जो भी आपने यहाँ पे क्ले फाइन लिया है वो इनऑर्गेनिक क्ले कंसिस्ट करता है जिसका कि हाई प्लास्टिसिटी है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, गुड होगा, सुटेबल होगा, ठीक है। तो आप इसको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको याद होता है वो याद करके लिख दीजिए। वेरी गुड कब कहलाएगा, जब वेरी वेल ग्रेडेड होगा तब गुड कब कहलाएगा, जब वेल ग्रेडेड होगा। फेयर कब कहलाएगा, जब फेयरली वेल ग्रेडेड है। पुअर क्या हो जाएगा, जब क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी विथ लिटिल कोर्सर फ्रैक्शन रहेगा तब। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट थर्ड टाइप का कंपोनेंट क्या होता है, आउटर शेल ऑफ द अर्थन डैम। ये क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम से समझिए। आउटर शेल ये जो था हमारा ब्लू कलर से शो हुआ, ये हमारा कोर ऑफ द डैम था, जो कि हमने देख लिया कि क्या क्या मटेरियल सुटेबल है इसको बनाने के लिए और इसका हाइट कितना प्रोवाइड करना है, इसका थिकनेस कितना प्रोवाइड करना है। अब ये जो येलो कलर से आपको शो कर रहा है ये जो होता है आउटर शेल ऑफ द डैम होता है, इसको हमको कैसे प्रोवाइड करना है। आउटर शेल ऑल्सो कॉल्ड एज केज इन एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सेंट्रल कोर ऑफ द डैम। ये जो सेंट्रल कोर ऑफ द डैम हो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है या आउटर शेल जो होता है वो, और इट कवर्स द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्लोप एंड इट इज मेड ऑफ परवियस सॉइल। ये जो होता है हमारा, ये देखिए ये अपस्ट्रीम स्लोप है एंड ये जो है हमारा डाउनस्ट्रीम स्लोप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो येलो वाले पोर्शन में ही अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्लोप आ जा रहे हैं, तो वही बोल रहा है कि ये इसको कवर कर लेता है। और किस टाइप के मटेरियल से हमारा आउटर शेल बना होता है, तो ये परवियस सॉइल से बना होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो कोर रहता है वो इम्परवियस से बना होता है। इम्परवियस मतलब कि जो अपने से वाटर को फ्लो होने नहीं देता है, लेकिन जो शेल होते हैं वो क्या होते हैं, परवियस होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, अपने से वाटर को फ्लो होने देते हैं, ठीक है। तो परवियस में आप कैसे टाइप के सॉइल लेंगे जिनका कि साइज ज़्यादा है, लाइक सैंड, ग्रेवल, इस टाइप के मटेरियल का आप यहाँ पर शेल में यूज़ करते हैं। द स्लोप मेंटेन ऑन द बोथ साइड ऑफ द डैम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल यूज्ड। तो किस टाइप का आप सॉइल यूज़ कर रहे हैं उसी के बेसिस पे आप क्या करेंगे कि हमको कितना स्लोप देना है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में, उसको डिसाइड करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्लोप की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक टेबल आपको मिल जाएगा कि अगर आपका टाइप होमोजीनियस टाइप का, वेल ग्रेडेड टाइप का सॉइल है तो अपस्ट्रीम में हमको इतना स्लोप देना है, डाउनस्ट्रीम में इतना। होमोजीनियस
कोर सिल टाइप का सॉइल है तो 3:1 का स्लोप देना अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में 2.5:1। होमोजीनियस सिल्टी क्ले टाइप का सॉइल है तो 2.5:1 और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में 2:1। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिए, ठीक है, कि आपको कितना ये सारे पॉइंट आप इंक्लूड करेंगे तो फिर आपका जो आंसर रहेगा और अच्छा रहेगा। अब देखिए कि फोर्थ पॉइंट जो रहता है यहाँ पे क्या है कि बर्म्स ऑफ अर्थ फील डैम। बर्म्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं, इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये रोड टाइप से आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, बर्म्स है, ठीक है, ये बर्म्स होते हैं। और ये क्या है, हमारा अपस्ट्रीम था तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम है तो डाउनस्ट्रीम में हमारे क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, इस टाइप से बर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब क्या फंक्शन होता है इस बर्म्स का, हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पहले क्रॉस सेक्शन में भी दिखा देती हूँ कि बर्म्स किस टाइप से दिखता है। ये जो है ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये आप जब उसको कट करेंगे तो इस टाइप से यही रोड रोड जो दिख रहा था ना, वही है। क्रॉस सेक्शन में जब देखते हैं तो ये हमारे क्या को शो कर रहे हैं, बर्म्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, अपस्ट्रीम स्लोप है, ये जो है आपका अपस्ट्रीम स्लोप है, ये डाउनस्ट्रीम स्लोप है, और डाउनस्ट्रीम स्लोप में ही हम क्या करते हैं, कट करके यहाँ पे बर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। अब इसका क्या फंक्शन होता है, बर्म्स आर प्रोवाइडेड इन द अर्थ फील्स डैम्स टू प्रिवेंट टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ स्लोप प्रोटेक्शन। हम यहाँ पे स्लोप को ऑब्जर्व कर सकते हैं डाउनस्ट्रीम स्लोप पे जाके कि कैसा हमारा स्लोप का प्रोटेक्शन है, टू मेंटेन एंड रिपेयर द वर्क प्रोसेस। वहाँ पे जाके आप रिपेयर वर्क को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे बैठ के अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं स्लोप की स्टेबिलिटी को डाउनस्ट्रीम में। एंड क्या फंक्शन है, टू इंक्रीज द सीपेज फ्लो लेंथ। जैसे कि क्या हो जा रहा है, यहाँ पे पहले इस टाइप से था लेकिन अब हम बर्म्स इस टाइप से बना के क्या कर रहे हैं, इस टाइप से बर्म्स बना दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका लेंथ क्या है, बढ़ जा रहा है, तो हमारा जो सीपेज का लेंथ है वो भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और बर्म्स जो होते हैं हमारे, इसका विथ जो रहता है 1 to 2 मीटर हम प्रोवाइड करते हैं, और कितने इंटरवल में प्रोवाइड करते हैं, तो हाइट जो होता है हमारा 10 to 15 मीटर के इंटरवल में हम बर्म्स ऑफ अर्थन डैम को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो था हमारा फोर्थ कंपोनेंट था, बर्म्स ऑफ अर्थन डैम। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ जो है, फ्री बोर्ड ऑफ द अर्थन डैम, ये कैसे प्रोवाइड करते हैं। फ्री बोर्ड इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट ऑफ द डैम टू द वाटर लेवल। हमारा क्या होता है यहाँ पे फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या है, डैम था, ये हमारा अर्थन डैम था, ये हमारा क्या था, वाटर का लेवल था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो है मैक्सिमम वाटर लेवल का और अर्थ क्रस्ट का, ये हमारा क्या कहलाता है, फ्री बोर्ड कहलाता है। ये जो है आपका विथ, ये हमारा क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है, और ये जो है वाटर लेवल है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे जो गैपिंग होगा ये हमारा फ्री बोर्ड कहलाएगा। क्यों हमको फ्री बोर्ड एक पर्टिकुलर अमाउंट में देना नेसेसरी है, इसलिए नेसेसरी है क्योंकि अगर हम यहाँ पे फ्री बोर्ड ही नहीं देंगे तो वाटर का जो लेवल होगा वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, क्रस्ट तक पहुँच जाएगा इस तरह से, और वो क्या होगा, यहाँ पे टॉपिंग हो जाएगा, ठीक है, ओवर टॉपिंग, मतलब कि यहाँ पे अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में जो वाटर है वो कैसे फ्लो होगा, इस डैम के ऊपर से यहाँ पे फ्लो होने लगेगा, इस तरह से ऊपर से फ्लो होने लगेगा, ओवर टॉपिंग होने लगेगा। इसीलिए हमको क्या करना है, इसको प्रिवेंट करना है, तो हम एक गैप देते हैं, ठीक है। कितना गैप देते हैं, देखिए जितना कि जो अगर हमारा क्या होता है, दो लेवल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है एक वीडियो में, ठीक है, कि हमारा दो लेवल होता है, फुल रिजर्वायर लेवल होता था एंड दूसरा जो होता था हाई फ्लड लेवल होता था। फुल रिजर्वायर लेवल या फिर नॉर्मल पूल लेवल हम बोल सकते हैं कि जब हमारा नॉर्मली यहाँ पे वाटर फिलअप होता है रिजर्वायर में, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, मान लीजिए ये जो है हमारा फुल रिजर्वायर लेवल है, इसका जो ये हमारा क्या है, रेड कलर से मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ये जो है हमारा क्रेस्ट ऑफ द डैम है, तो फिर क्या होगा कि इन दोनों के बीच का, इसके क्रेस्ट का और इसका के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे नॉर्मल फ्री बोर्ड कहलाएगा, क्योंकि ये किसके किसके बीच का है, नॉर्मल पूल लेवल और यहाँ पे क्रेस्ट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो है वर्टिकल डिस्टेंस है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे नॉर्मल फ्री बोर्ड कहलाएगा। लेकिन अगर हमारा रिजर्वायर जो है वो क्या है कि हाई फ्लड लेवल के लेवल में आ चुका है, ठीक है, रिजर्वायर में जो वाटर है वो हाई फ्लड लेवल के लेवल में आ चुका है, या फिर मैक्सिमम लेवल में आपने आ चुका है, ये मैक्सिमम लेवल है और ये हमारा क्या है, डैम है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो भी यहाँ पे डिस्टेंस होगा अर्थ क्रस्ट के बीच का और यहाँ पे फुल रिजर्वायर लेवल का, तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम फ्री बोर्ड, ठीक है। ये दो टर्म है, नॉर्मल फ्री बोर्ड एंड मिनिमम फ्री बोर्ड,
तो और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मिनिमम फ्री बोर्ड एंड नॉर्मल फ्री बोर्ड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम सरचार्ज हेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा फ्री बोर्ड ऑफ अर्थ फिल डैम होता है। और यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट ऑफ डैम के हिसाब से हमको डिफरेंट डिफरेंट मिनिमम फ्री बोर्ड हमको प्रोवाइड करना चाहिए। लाइक अगर हमारा किसी भी हाइट का हम यहाँ पे डैम लेते हैं अनकंट्रोल स्टील वे में, तो 2 to 3 मीटर होना चाहिए। अगर हमारा हाइट जो है अप टू 60 मीटर है तो हमको 2.5 मीटर रहना चाहिए अगर हमारा कंट्रोल्ड स्पिलवे है। और यहाँ पे कंट्रोल स्पिलवे के ही केस में अगर ज़्यादा है 60 मीटर से हाइट, तो हमको मिनिमम फ्री बोर्ड जो रहेगा 3 मीटर का यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है फ्री बोर्ड के बारे में है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है वहाँ पे हमको एडिशनल 1.5 मीटर का फ्री बोर्ड हमेशा प्रोवाइड करना चाहिए। क्यों वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए? क्योंकि देखिए कि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम है तो क्या हो सकता है, यहाँ पे पानी जो है फ्रॉस्ट हो सकता है, जम सकता है, ठीक है। तो उसके कारण भी एक्स्ट्रा इफेक्ट आएंगे, एक्स्ट्रा फोर्सेस लगेंगे हमारे डैम में। तो उसको भी हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे कि हाइट जो रहता है 1.5 मीटर जो रहेगा यहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रॉस्ट होता है जब, जैसे कि आप बर्फ़ को ही जमाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम रहता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर फ्रॉस्ट हो जाएगा हमारा वाटर तो उसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि 1.5 मीटर ज़्यादा हाइट पहले से प्रोवाइड करते रहना चाहिए। अब सिक्स टाइप के कंपोनेंट क्या है, कट ऑफ ट्रेंच। कट ऑफ ट्रेंच क्या होता है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये जो होता है ये कट ऑफ ट्रेंच होता है। इसको क्या, इसका क्या काम रहता है कि सीपेज लॉस ऑफ वाटर थ्रू द फाउंडेशन जो होता है उसको हमको हमारा क्या करता है, कट ऑफ ट्रेंच जो रहता है यहाँ पे बैलेंस करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये जो है हमारा फाउंडेशन है यहाँ से क्या होता है, सीपेज लॉस होता है, तो इसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कट ऑफ ट्रेंच। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये जो है हमारा, इस तरह से हमने यहाँ पे कट ऑफ ट्रेंच प्रोवाइड कर दिया है, ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस हैं जब हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं कट ऑफ ट्रेंच फॉर द अर्थन डैम को, तो द सेंटर लाइन ऑफ द कट ऑफ शुड बी विद इन द बेस ऑफ द इम्परवियस सेंट्रल कोर। सबसे पहले तो यहाँ पे कट ऑफ ट्रेंच आपने देखा ही होगा, ये जो है हमारा कट ऑफ ट्रेंच होता है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा क्या होता है, कोर होता है या फिर सेंटर कोर होता है, इस तरह से। यहाँ पे एक डायग्राम से मैं दिखा भी देती हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा यहाँ तक क्या है, कट ऑफ ट्रेंच है, और इसके ऊपर क्या है, सेंटर कोर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो आपका कट ऑफ ट्रेंच है इसका जो सेंटर लाइन होगा वो कहाँ होना चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं कोर है इसके बेस के अंदर ही ये लाई करना चाहिए, ठीक है। मतलब इसके अंदर ही हमारा क्या होना चाहिए, इस तरह से सेंटर ऑफ ट्रेंच जो है विद इन द बेस ऑफ सेंटर कोर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यही बस बोला गया है, मतलब कि जो हमारा सेंटर कोर होगा ट्रेंच का, सेंटर लाइन होगा ये, इस तरह से जो सेंटर लाइन होगा ये हमारे कोर के बेस के अंदर ही आना चाहिए। यहाँ पे इसका बेस है तो इसके अंदर ही हमारा क्या होना चाहिए, ये जो सेंटर लाइन है वो आना चाहिए। ऐसा बाहर जा रहा है मतलब हमने ट्रेंच इधर बना दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कोर के ये नीचे होगा तो क्या होगा कि इसका जो सेंटर लाइन है वो क्या करेगा कि कोर के बेस से होके ये यहाँ पे पास करेगा, ठीक है। बॉटम विथ ऑफ द कट ऑफ ट्रेंच शुड बी एटलीस्ट 4 मीटर। तो यहाँ पे बॉटम विथ जो होना चाहिए कट ऑफ ट्रेंच का वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 4 मीटर तो होना ही चाहिए, ठीक है। बैकफिल मटेरियल यूज फॉर द कट ऑफ ट्रेंच शुड सेम एज द बैकफिल मटेरियल यूज फॉर द इम्परवियस कोर। तो जैसे कि हमने क्या किया है, ट्रेंच को इस कोर के नीचे ही बनाया है, तो जो मटेरियल हम यहाँ पे कोर के लिए यूज़ कर रहे हैं वही मटेरियल हम क्या करेंगे, ट्रेंच के लिए भी यूज़ करेंगे। इफ़ देयर इज़ अ वेदर्ड रॉक स्ट्रेटम और रॉक फॉर्मेशन विथ द क्रैक्स एंड जॉइंट इज फाउंड, देन कट ऑफ ट्रेंच शुड बी टर्मिनेटेड। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हमको किस तरह से कहाँ तक हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, कितने हाइट तक, तो अगर हमको यहाँ पे इम्परवियस लेयर मिल जाता है जहाँ पे क्या है जॉइंट्स में, जॉइंट्स हैं रॉक के बीच में, तो हमको यहाँ पे रोक देना है, ठीक है, और नीचे नहीं प्रोवाइड करना है। अगर हमको यहाँ पे जॉइंट्स मिलते हैं, जॉइंट्स इज फाउंड देन कट ऑफ ट्रेंच शुड बी टर्मिनेटेड, या फिर क्रैक्स मिल जाते हैं रॉक्स के बीच में, या फिर रॉकी स्ट्रेटम मिल जाता है, वेदर्ड रॉक स्ट्रेटम, तो हमको वहाँ पे रोक देना है, टुकड़े टुकड़े वाले अगर रॉक प्रेजेंट है तो। हाउएवर एन एडिक्वेट विथ ऑफ द कट ऑफ ट्रेंच फॉर द स्मॉल डैम्स कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि हमारा जो विथ होना चाहिए वो 4 मीटर तो होना ही चाहिए, लेकिन जो स्मॉल डैम्स होते हैं उनके लिए क्या, कैसे हम डिसाइड करते हैं, हम हाइट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू एच माइनस डी। डब्ल्यू क्या है, विथ ऑफ द कट ऑफ ट्रेंच है, एच जो है हेड
अबव द ग्राउंड सरफेस, जो वाटर का जो हेड है या फिर रिजर्वायर का जो हेड है वो हमारा एच है, एंड डी हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ कटअप ट्रेंच बिलो द ग्राउंड सरफेस। तो हमने कितने डेप्थ तक ग्राउंड सरफेस के नीचे इस कटअप ट्रेंच को प्रोवाइड किया है, वो हमारा डी है। एच जो है हाइट ऑफ रिजर्वायर लेवल है, कितने हाइट तक हमारा वाटर प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, विथ ऑफ, ये जो विथ है इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने सिक्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा जो कि हमारे अर्थन डैम के डिज़ाइन में यूज़ होता है। आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है या फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।